हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं फेस ब्रशेस का। तो फेस ब्रश जो भी हमारे फेस मेकअप के लिए यूज़ किए जाते हैं वो ऑलमोस्ट सभी इस पैकिंग में आ जाते हैं, और आई थिंक आपको अलग से कोई ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, ये जो पैकिंग है बहुत ही अफोर्डेबल है, आप इजीली इसको ख़रीद सकते हो, बाय कर सकते हो। तो ये मुझे पड़ा है 84 रुपीज़ का। तो मोस्टली हम देखते हैं कि 84 रुपीज़ में एक ही ब्रश आता है। तो ये है हेलो किट्टी की पैकिंग। तो ये ऐसे ही आया था पैकिंग में। तो ये बॉक्स है जो इसमें ही ब्रश पैक होके आए हैं। तो आपको इसको स्टोर करने की भी कोई टेंशन नहीं है, आप इसमें इजीली इसको स्टोर कर सकते हो। तो ये सेफ़ रहती हैं ऐसे, और काफ़ी टाइम तक चल भी जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो वन बाई वन इसको हम रिव्यू कर लेते हैं कि कौन से ब्रश इसमें आते हैं। तो इसकी पैकिंग कुछ इस टाइप की आती है, ऐसे पैक होके आया था ये, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से पैक हुआ था। और प्राइस वाइज मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि प्राइस भी कम है और प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से ये पैक होके आए हैं, और इनकी जो डबल पैकिंग हुई हुई है, पहले ये पॉलीथीन में था, फिर इसमें सेकंड में था, और अभी मैं खोल के इसको एक एक करके आपको दिखा देती हूँ कि कौन से ब्रशेस में आए हैं। तो ये 7 ब्रश की पैकिंग है। ये है ब्लशर। तो इनके जो देख सकते हो ब्रशेस है बहुत ही सॉफ्ट है, और स्किन पे बिल्कुल इसका पता नहीं चलता है जब आप यूज़ करते हो, तो इतने ये सॉफ्ट है। और आप देख सकते हो बहुत ही शाइनिंग वाला है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आप इस प्राइस में। तो बहुत सॉफ्ट है, आप इजीली इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये था फर्स्ट हमारा ब्लशर। तो ये सेकंड है ये फाउंडेशन ब्रश। तो इसे हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन लगाने के लिए। इससे क्या होता है, अगर हम हैंड से अप्लाई करते हैं तो उससे हमारी स्किन पे पैचेस पड़ जाते हैं, बट अगर हम ब्रश से अप्लाई करते हैं तो इक्वली लग जाता है हमारे फेस पे। तो इसके जो ब्रशेस है वो भी बहुत ही सॉफ्ट है फ्रेंड्स। तो थर्ड हमारा ये है आई शेडो ब्रश, और बहुत ही अच्छा है ये भी, सेम ही है इसके ब्रशेस। मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये प्रोडक्ट। और नेक्स्ट अभी देखते हैं हम कौन सा है। और ये है हमारा आईलाइनर ब्रश, और ये आईलाइनर लगाने के लिए यूज़ होता है, चाहे तो आप इसे काजल भी लगा सकते हो, चाहे तो आप आईलाइनर, और इसकी जो शेप है वो भी बनी हुई है उसी टाइप से। तो ये भी सेम ही है, थोड़ा ही डिफरेंस है दोनों में। तो आप दोनों को अलग अलग यूज़ कर सकते हो, एक को काजल के लिए और एक को आई लाइनर के लिक्विड के लिए यूज़ कर सकते हो इसको। तो ये था हमारा 5th ब्रश। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अभी कौन सा है।
तो ये है आई शेडो ब्रश, आप देख सकते हो आई शेडो के लिए यूज़ होता है जो। और ये एक्स्ट्रा दिया गया है, आप आईलाइनर भी ट्राई कर सकते हो, और एक्स्ट्रा है ये। तो ये थे फ्रेंड्स 7 ब्रशेस की पैकिंग जो कि हमारी इस पैकिंग में किट में आई है 80 रुपीस में ओनली। आई थिंक इससे अच्छी और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकती जिसमें कि सारे ब्रशेस आ जाते हैं जो कि हमें फेस मेकअप के लिए चाहिए। तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये पैकिंग, आप जो से ट्राई करना, बिल्कुल अफोर्डेबल है और हर कोई इसे बाय कर सकता है। वेरी वेरी नाइस प्रोडक्ट। तो एक तो इसे कैरी करना बहुत ही आसान है, इसकी पैकिंग है जो आप इजीली बाहर कहीं पे जाना है तो इसको साथ में कैरी कर सकते हो, और आपको ऐसे यू इसको स्टोर करने के लिए कहीं पे रखने की जरूरत नहीं है। जो किट साथ में आती है उसकी में आप इसको कैरी कर सकते हो। और इसका जो एक्चुअली ये 2 कलर में आते हैं, एक में ब्लैक में और एक पिंक में। जैसे इसके ये ब्रश या पिंक है तो बैक साइड इसकी ब्लैक है, जो दूसरा होता है उसके ये ब्रश वाइट होते हैं और बैक साइड जो होती है वो पिंक होती है। तो मैंने इसे लिया क्योंकि एक तो इसका कलर डार्क है, अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये गंदा नहीं होता जल्दी, और सेकेंडली ब्लैक कलर अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने इसको ले लिया। तो ये जो बॉक्स है पिंक का, वो पिंक में पिंक कलर का आता है जैसे इसका ब्लैक में है। तो ये आपकी चॉइस है, आप ब्लैक लेना चाहते हो तो ब्लैक ले सकते हो, अगर आपको पिंक अच्छा लगता है तो आप पिंक ले सकते हो। तो दोनों ही कलर शेड्स बहुत अच्छे हैं और रेंज भी इनकी बहुत ही अच्छी है, और प्रोडक्ट का तो आप पूछिए मत, प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा है। तो ये था हमारा आज का रिव्यू फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो ज़रूर से शेयर करना, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, तो ऐसे हम इनको सभी को फिर से स्टोर करके रख सकते हैं। वेरी वेरी नाइस प्रोडक्ट, इजी टू कैरी, कहीं पे आपने जाना हो तो। ऐसे इसकी पैकिंग हो जाती है तो फिर ये ऐसे ही इस बॉक्स में स्टोर हो जाएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये था हमारा बॉक्स, ऐसे रख के इसको ये इजीली आपके हैंडबैग में, आपके पर्स में, आपके क्लचर में, किसी में भी आप कैरी कर सकती हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का रिव्यू हेलो किट्टी का, तो कैसा लगा आपको? आई थिंक आपको ज़रूर से अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।